विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार की जगह लेंगे आईएफएस अनुराग श्रीवास्तव। भूटान में भी कोरोना वायरस से एक के संक्रमित होने की पुष्टि। चीन में कोरोना वायरस से और 30 लोगों की मौत, मरने वालों की संख्या हुई 3,042। दुनिया भर में 1,00,000 लोग कोरोना वायरस की चपेट में, 3,280 की मौत। इटली में संक्रमण बढ़ा। झारखंड में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन होंगे राज्यसभा के लिए गठबंधन से उम्मीदवार। पूर्वी दिल्ली से डीसीपी दफ्तर में कोरोना का खतरा, ऐसे बढ़ती जा रही है सावधानी। अंग्रेजों के मुरीद हुए बिहार के डीसीपी, कहा भारत के लोग नहीं करते कानून की इज्जत। कर्नाटक के तुमकुर जिले में डिवाइडर से टकराई कार, 13 लोगों की हुई मौत। दिल्ली हिंसा में पुलिस को अब तक नहीं मिली शाहरुख की पिस्तौल, क्राइम ब्रांच की घर पर रेड। दिल्ली एनसीआर समेत आधे भारत में बेमौसम बारिश से नुकसान, कई राज्यों में अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट, रात भर बरसे बदरा। गोरखपुर में नवजात बच्चों की मौत के मामले में निलंबित बीआरडी कॉलेज के डॉक्टर में बहाल। दिल्ली हिंसा में पुलिस ने ताहिर हुसैन के मोबाइल की सीडीआर कंगाली, मिले सबूत। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार आज पेश करेगी बजट। संसद में आज उठेगा कांग्रेस के 7 सांसदों के निलंबन का मामला, कार्यवाही हंगामेदार होने की आशा। मुंबई में यस बैंक पर आरबीआई के शिकंजे के बाद मुंबई में रातों रात एटीएम खाली। केंद्र को झटका, कलकत्ता एससी ने पोलैंड स्टूडेंट के देश छोड़ने की नोटिस पर लगाई रोक। राज्यसभा चुनाव के लिए आज से शुरू होगा नामांकन, 26 मार्च को होगी वोटिंग। 50,000 निकासी की सीमा के बाद यस बैंक के एटीएम में आधी रात को मची मारामारी, पुलिस अलर्ट जारी। अंग्रेजों के मुरीद हुए बिहार के डीजीपी, कहा कानून की इज्जत नहीं करते भारतीय। दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस गोलीबार, शाहरुख को लेकर उसके घर पहुंची, हथियारों की कर रही है तलाश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना वायरस के चलते एलएनजेपी हॉस्पिटल में बनाए गए 11 आइसोलेशन रूम। कोरोना वायरस के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचकर किया निरीक्षण। कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 31, देर रात आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। एसबीआई बोर्ड ने यस बैंक में निवेश के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। कमलनाथ से मिलने के बाद बोले बीजेपी विधायक, जो सर्वधर्म संभाव की बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। भारत में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या हुई 31। प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त किया गया। एक महीने में यस बैंक से 50,000 रुपए तक निकासी की आरबीआई ने तय की सीमा। ईरान भारत में रह रहे अपने नागरिकों को वापस ले जाने के लिए दिल्ली भेजेगा विमान। एमपी में लापता विधायक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, बीजेपी पर कर्नाटक भेजने का है आरोप। कुरैशी ने कहा अफगानिस्तान की सुरक्षा में भारत की भूमिका का विरोध करेगा पाकिस्तान। यस बैंक में कोरोना के असर से शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट, 1400 अंक टूटा सेंसेक्स। कोरोना को लेकर वायरल हो रही है पॉपुलर शॉर्ट फिल्म। बड़े पर जानवी ने किया श्रीदेवी को याद, बताया मां कैसे करती थी टेंपर। बिग बॉस विनर पर पब में हमला, सिर पर फोड़ी गई बोतलें, मारी खुशी। तो ये थी इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।